मोस्ट रिक्वेस्टेबल वीडियो। भाई आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये भर दिया है कि भाई अंडर 30,000 या 40,000 के अंडर की वीडियो बनाएं जो आपको बेस्ट मोबाइल फ़ोन लगते हैं 40,000 या 30,000 के अंडर में। तो भाई आपको मैं बता दूं, मैंने ऐसे 10 स्मार्टफोन की लिस्ट बनाई थी जिसमें से मैंने 5 को छांटी छांटी करके सिर्फ आपके लिए 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 के निकाले हैं और 40,000 की भी वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हम ये आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस नई सीरीज में हम जो भी अंडर ये 30,000 40,000 जो भी अंडर स्मार्टफोन होंगे इसके टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, अपनी उंगली को नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन पर लेके जाएं और उसको दबा डालें। और आपको ये भी बता दूं, इस लिस्ट में जितने भी स्मार्टफोन हैं सब में ही आपको नोच देखने को मिलेगी सिर्फ एक स्मार्टफोन को छोड़कर। तो चले हाजिर है इस लिस्ट का पांचवा स्मार्टफोन। तो पांचवे नंबर पर इस लिस्ट पे हमने रख रहा है Huawei Y7 2019 को पांचवे नंबर पर रखने की मेन रीजन यही है कि इसकी प्राइस ओवर लगी मुझे, क्योंकि भाई Y7 2019 में आपको 29,000 में सिर्फ 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है Snapdragon 450 के साथ में। अगर Snapdragon 450 बात करूं तो ये आपको 19,000 के C1 में भी देखने को मिल जाता है और Huawei Y7 2019 में आपको मिलता है 6.26 इंच का डिस्प्ले 720 पिक्सल वाला यू शेप नोच के साथ में। और भाई इस स्मार्टफोन में सारे पैसे इसके यू शेप नोच की वजह से हैं, बाकी इस स्मार्टफोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको लुक में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इस लिस्ट के चौथे स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन मैं उनको रेकमेंड करूंगा जिनको 30,000 से नीचे 64GB की इंटरनल स्टोरेज चाहिए, जिसको स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ Vivo Y91 की। भाई Vivo Y91 आपको पाकिस्तान में 28,000 में देखने को मिल जाएगा 3GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ में। और भाई स्टोरेज के साथ इसकी बैटरी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर रखा है हमने इस लिस्ट में Honor 9 Lite को, और ये फ़ोन मैंने उन लोगों के लिए रखा है जिन्हें अपने मोबाइल फ़ोन में फुल एचडी डिस्प्ले चाहिए 1080 पिक्सल वाला। भाई Honor 9 Lite में आपको 5.7 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है किरण 659 के साथ में। और भाई Honor 9 Lite को तीसरे नंबर पर रखने की मेन वजह ये भी है इसके कैमराज। इसके बैक और फ्रंट पर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं। और भाई Honor 9 Lite की पाकिस्तान में प्राइस है तकरीबन 26,000 रुपीज। भाई जो दूसरे नंबर पर ये स्मार्टफोन रखा है मैंने, इसमें आपको कैमरा, डिस्प्ले और इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ Vivo V9 की। इस मोबाइल फ़ोन में सिर्फ आपको बैटरी को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 626 का चिपसेट। और अगर बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 6.3 इंच डिस्प्ले देखने को मिलता है 1080 पिक्सल वाला, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है। और इसमें आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का वर्जन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है 30,000 की रेंज में। भाई इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलती है 4GB 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर कैमरों की बात करूँ तो बैक पर आपको 16 और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरे के लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन किसी मोबाइल फ़ोन से पीछे नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो लो जी भाई हम पहुँच गए हैं पहले नंबर पर। तो भाई इस लिस्ट में जो हमने पहला स्मार्टफोन रखा है वो इसके प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि इस प्राइस टैग में आपको कोई भी कंपनी इतना ज़बरदस्त प्रोसेसर नहीं देती। मैं बात कर रहा हूँ Honor 8C की, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट, जो कि कोई भी कंपनी आपको इस प्राइस टैग में नहीं देती। Honor 8C की पाकिस्तान में प्राइस है 26,499 रुपये। भाई पता नहीं ये कंपनी इतनी सखी क्यों बन जाती है, अब 1 रुपये छोड़ने का क्या मकसद, सीधी सीधी इसकी प्राइस 26,500 क्यों नहीं कर दी। तो भाई ये स्मार्टफोन Honor 8C गेमिंग के लिहाज से इस प्राइस टैग में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि Honor 8C स्नैपड्रैगन 632 के चिपसेट में 3GB और 32GB वाले वेरिएंट के साथ पाकिस्तान में आता है। और भाई ये मोबाइल फ़ोन कैमरे के लिहाज से भी किसी मोबाइल फ़ोन से पीछे नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको बैक पर मिलते हैं 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर AI सपोर्टेड, और इसके फ्रंट पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर बात करूँ इस मोबाइल फ़ोन में बैटरी कैपेसिटी की, तो गेमिंग के लिहाज से ये बैटरी बहुत बड़ी है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी, जो कि आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है।
भाई ये ऐसे पांच स्मार्टफोन हैं जो कि आपको मार्च के मंथ 2019 में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, और इस मोबाइल फोन में आपको स्पेसिफिकेशन भी सबसे बेस्ट देखने को मिलती है। तो आई होप यार आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।